आउट द न्यू लुक एंड पार्स ऑफ कैप्टन मार्वल, मिस मॉवल कमाला खान कैप्टन मोनिका रैम्बू एंड फ्यूरी इन मावल फ्यूचर फाइट और यहाँ पे है हमारा की आर्ट ब्रो दिस लुक्स सो सो फेंटेस्टिक यहाँ पे हमें कैप्टन मॉवल देखने को मिल रही है हु लुक्स रियली रियली यंग एंड टू बी ऑनेस्ट आई रिचेट द ट्रेलर एंड उसमें भी कैप्टन मॉवल वॉज यू लुकिंग वे यंगर देन शी वॉज इन एंड गेम या फिर अपने खुद के मूवी में आई डोंट नो वॉट मेकअप दे डिड बट शी इज लुकिंग डेफिनेटली यंगर एंड यार यूनिफार्म लुक्स गुड यार स्निक पिक में उतना अच्छा नहीं दिख रहा था एज आई टोल्ड यू ऑलवेज स्निक में रेंडरिंग इफेक्ट वगैरह में काफ़ी दिक्कतें होती है उस वजह से कैरेक्टर्स हमेशा टू पॉइंट नहीं दिखते हैं बट गेम में यह आपको बहुत ही तगड़े देखने को मिलेंगे एंड कैप्टन मॉबल लुक्स अमेजिंग यार टू बी ऑनेस्ट मुझे तो बहुत पसंद आया यूनिफॉर्म एंड फिर वहीं कमाला खान की बात करें शी इज ऑल्सो लुकिंग रेरी गुड अपना फिस्ट बनाते हुए एंड शीज स्माइलिंग हर वे इन अ सुपर हीरो पोज बहुत जबरदस्त मोनिका रैम्बू भी काफी तगड़ी लग रही है शीज डैशिंग टूवर्ड्स समवेयर और साथ में गूज है भाई गूज इज हियर वाव गूज को फाइनली इंट्रोडक्शन मिल रहा है माइफ्यूचर आई डोंट नो वट दार्स एंड वट गूज विल डू इन द गेम बट आई एम रियली एक्साइटेड अबाउट इट मे बी ये किसी के स्किल में देखने को मिले इफ नॉट एज अरेक्टर और एज अ प्लेवल कैरेक्टर या फिर कुछ छोटा सा एलिवेंट इन द गेम साथ में निक फिर में देखने को मिल रहा है यूजिंग हिज गन आई डोंट नो वॉट ही विल डू विथ दिस गन बट या ये गन भी पावरफुल है ऑब्वियसली एलियन टेक है तो डेफिनेटली इट कैन डू सम डैमेज टू द एनिमी एंड निक फ्यूर इज गोन अभी अ सपोर्ट फॉर ऑल दिस थ्री कैरेक्टर्स विद अ यूनिफॉर्म आई थिंक ये स्पेसिफिक लीड या सपोर्ट बनेगा फॉर दी थ्री कैरेक्टर्स जो इनको बहुत ही ज्यादा ओवर पार्ट बनाएगा विथ हिज न्यू यूनिफॉर्म एंड अगर आपको एक उंडर सपोर्ट की तरह यूज़ करना है, तो आप यूनिफॉर्म अन इक्विप कर सकते हो या फिर कैप्टन मावल मूवी वाला यूनिफॉर्म इक्विप कर सकते हो आई थिंक दैट्स हाउ इट्स रोल एंड साथ ही साथ लेट मी टेल यू 50% परसेंट डिस्काउंट आने वाला है यूनिफॉर्म में आई नो दैट क्योंकि ब्लैक फ्राइडे के जस्ट पहले वाले अपडेट्स पे 50% परसेंट ऑफ आता है लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा ब्लैक फ्राइडे तक वेट करो नाउ यू विल टेल मी यार ये क्या बोल रहे हैं भाई बट ब्लैक फ्राइडे पर क्रिस्टल स्पेंड करने पे क्रिस्टल स्पेंडिंग इवेंट होता है यू विल गेट मोर वैल्यू फॉर योर मनी इसलिए ही सिर्फ ब्लैक फ्राइडे पर स्पेंड करने को बोला जाता है और कोई रीजन नहीं है ठीक है कुछ ही हफ्ते यार कुछ हफ्ते कंट्रोल कर लो यार सबर कर लो तब तक अपने कैरेक्टर्स अपग्रेड कर लो क्या हड़बड़ी है टेस्टिंग वगैरह हम कर ही देंगे राइट सो वट इज द पॉइंट इन स्पेंडिंग इट बिफोर हैंड जस्ट बिफोर ब्लैक फ्राइडे क्या पता ब्लैक फ्राइडे पर कुछ तगड़ी चीज आता है एंड यू वॉन्ट हैव द क्रिस्टल फॉर इट देन तब आप क्या करोगे तब कौन आएगा आपको बचाने समझ रहे हो तो डेफिनेटली इट्स ऑल अप टू यू गाइज मतलब यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट इट्स योर क्रिस्टल बट मेरे को तो लग रहा है ब्लैक फ्राइडे से पहले स्पेंड करना इज अ बेवकूफी फुल ऑन बेवकूफी है सो डेफिनेटली डोट नॉट स्पेंड इट मुझे काफी लोगों के मैसेज आ रहे हैं कि भाई ब्लैक फ्राइडे से पहले मैं यूनिफॉर्म्स ले लूँ या नहीं लू मैं तो यार सबको बोल रहा हूँ मत लो ब्लैक फ्राइडे तक ही वेट करो फिफ्टी परसेंट ऑफ है मुझे पता है ठीक है एवरी वन नोज इट फिफ्टी परसेंट ऑफ है बट फिर भी डोंट बाई इट ठीक है उसके अलावा प्लीज लुक फॉर्वर्ड टू दी अपकमिंग अपडेट एंड साथ ही साथ लाइव स्ट्रीम होने वाली है इस गेम को लेकर जिसपे हमें बताया जाएगा कि क्या है अपडेट और कुछ और भी है कि नहीं क्योंकि पहले स्निकपिक में बोला जा रहा था लुक फॉरवर्ड टू न्यू हीरोज एंड चेंजेस तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू तो दोज चेंजेस जो कि हमें पैच डिटेल्स में पता चलेगी जिसमें अभी काफी टाइम है टू बी ऑनेस्ट बट ये एक फाइनलाइज हो गया कि और कोई स्निकपिक नहीं आने वाला इस अपडेट को लेकर मिड मंथ में मे भी कुछ आए किसी एक कैरेक्टर को टी फोर मिले और एंड इवेंचुअली तीसरे कैरेक्टर को भी टी फोर मिले ऑल थ्री ऑफ देम विल गेट अ टी फोर आई नो दिस फॉर गारंटी तो डेफिनेटली आप पिक एंड चूज करना कैप्टन मॉवल को अपडेट के साथ राइट right अवे मिल रहा है बाकी दोनों को मे बी बाद में मिले सो या विद दैट इस वीडियो पे एंड करते हैं वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब कर देना मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए पीस आउट टेक केयर बाय